हे गाइस, ताजा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटे के बटन को दबाएं। विकासखंड रामपुर मथुरा में शुक्रवार को शिक्षक संघ का चुनाव ब्लॉक संसाधन केंद्र पर संपन्न हुआ, जहां सुबह से ही बीआरसी पर चारों ओर शिक्षकों का जमावड़ा बना रहा था। 9:30 बजे शुरू हुए थे चुनाव, जिसमें कुल 458 लोगों ने मतदान किए थे। चुनावी होड़ में जंग बहादुर यादव ने 221 वोट, आशुतोष पांडे ने 142, विनायक मिश्र ने 57 और चंदन ने 38 वोट पाए। जंग बहादुर ने शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने की बात की है। प्रयास का मेरा वादा है कि इनकी सेवा शर्तों की रक्षा करने का पूरा प्रयास होगा और शैक्षणिक गतिविधियाँ या हमारे जो विभागीय दायित्व हैं उनको विधिवत निभाने का पूरा प्रयास करूँगा। उनकी सेवा शर्त नहीं, हमारे भाई विद्यालय आते हैं, अगर नहीं आते हैं तो अपना कैजुअल पर रहते हैं या जो भी जैसे छुट्टियां लेनी होती हैं, ये जहाँ तक मुझे कहीं नहीं पता है कि नहीं आते हैं, ये गलत है। हाँ, कोशिश रहेगी कि उनको ना आने में अगर यहाँ कोई दिक्कत हो रही है उसका प्रयास पूरा होगा, वो दिक्कत दूर हो, समस्या दूर हो और सौहार्दपूर्ण वातावरण में शैक्षणिक व्यवस्था चल रही है। उन्होंने कहा है कि किसी भी शिक्षक के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। सीतापुर के शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष उमेश कुमार सिंह, इम्तियाज अहमद, पीयूष सिंह राठौर आदि ने वोटों की गिनती कर जंग बहादुर यादव को विजयी घोषित किया। सीतापुर जिले से हिमांशु कुमार मिश्रा की रिपोर्ट, इंडिया अब तक न्यूज के लिए।